Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School Kasimabad, Hyderabad, Sindh. So जी guys, हम मैथ्स समझ रहे हैं. मैथ्स अगर आपको समझनी है, कंटिन्यू रखनी है, सीखनी है, तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझ सकें, सीख सकें, इजी वे से कंप्लीट कर सकें अपना मैथमेटिक्स का कोर्स. सही है गाइस? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. क्या समझेंगे आज की क्लास में? क्वेश्चन नंबर 12 है जो समझने जा रहे हैं आज की क्लास. तो क्वेश्चन नंबर 12 सेम एग्जैक्टली जो प्रीवियस क्लास में हमने समझा था, एग्जैक्टली उसी टाइप का है, उसी वे से सॉल्व होगा, जस्ट वेरिएबल चेंज. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को समझने से पहले रेडी हो जाए. रेडी हो जाए मतलब ये घुमाने नहीं ले जा रहा, घूमने नहीं जाना है, समझने के लिए रेडी हो जाए. मीन्स कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि पॉइंट्स आप नोट करते जाएं एंड फुली कंसंट्रेशन से रिलैक्स होकर बैठे समझने की कोशिश करें ताकि हर चीज आपको समझ में जरूर आ जाए. सही है? तो आइए समझते हैं, समझ में जरूर आ जाएगा, कोशिश करेंगे तो. ठीक, तो इक्वेशंस दो की बजाय इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मतलब वेरिएबल फाइंड करना है, हर प्रॉब्लम में समझते आ गए. तो यहां पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट x मल्टीप्लाई t प्लस 15 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन x एंड t वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पे होल पावर कुछ भी नहीं, मींस पावर 1 है, तो ये है लीनियर इक्वेशन. ठीक, इक्वेशन नंबर 2 में x पे स्क्वायर है प्लस t पे भी स्क्वायर है इक्वल टू 34, या x एंड t वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इक्वेशन नंबर 1 नेम असाइन करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नेम असाइन किया. अब कैसे सॉल्व करें? ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें? दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन लीनियर है, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक. जो लीनियर इक्वेशन उसमें वेरिएबल दो है, जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कोई प्लस माइनस की वेरिएबल नहीं है, तो क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन को टेक आउट कर रहे हैं, वहां से किसी एक वेरिएबल को आजाद करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. बाद में क्या होगा देखते हैं. सब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 है x मल्टीप्लाई बाय t प्लस 15 इक्वल टू 0. ठीक, तो x वेरिएबल t के साथ कांस्टेंट नंबर उस साइड पे सब भेजेंगे तो माइनस का हो गया, वेरिएबल आता हो गया. अब x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो x के साथ t जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस t को साइड पे शिफ्ट करेंगे, t चला जाएगा डिवाइड, आगे डिवाइड. सो वैल्यू ऑफ x इन वेरिएबल t के फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बी से इक्वेशन 3 में, किस इक्वेशन से? इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 में x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ t. सही है? अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू इक्वेशन 3 का नाम दिया है, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे एंड देन सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है. सो मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में से पुट अप करेंगे x की जो वैल्यू मिली है -15 डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 में से इक्वेशन 3 मिली है हमें, वहां से फाइंड आउट की है, तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इक्वेशन नंबर 2 जो है x स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इक्वल टू 34, इक्वेशन सिंपली की जो है वो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन मजीद सिंपलीफाई करेंगे. So, x की जगह पे x की माइनस 15 डिवाइडेड बाय t पे होल स्क्वायर है प्लस ये t स्क्वायर रिमेंस सेम इक्वल टू 34 सेम. सही है? इस स्टेप में जस्ट x की जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए. आई बस कर दूं, अब दो नंबर डिवाइडेड में होल पावर 2, 2 इज इवन नंबर, नेगेटिव नंबर पे अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक, 15 का स्क्वायर करेंगे 235 डिवाइडेड बाय t पे भी स्क्वायर है, t स्क्वायर सेम इज इक्वल टू 34. ठीक, अब ये दो नंबर प्लस हो रहे हैं, एक फ्रैक्शन में सेकंड वन इज विदाउट फ्रैक्शन, तो t स्क्वायर के अपान में कुछ भी नहीं है, तो 1 शो किया, अब दोनों फ्रैक्शन में आ गए. ठीक, अब t स्क्वायर के अपान में t 1 शो करने का मतलब ये है
अगर फ्रैक्शन में नंबर है प्लस या माइनस में तो उनके डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर नंबर वन है, टी स्क्वायर एंड वन का एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर होगा क्योंकि वन मीन्स नथिंग। तो फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर 225 रिमेंस है, इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है सेम एग्जैक्टली वही इसके एलसीएम में नंबर है मौजूद है, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। So, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देखते हैं वो। सो देखिए प्लस साइन, ठीक, ये टी स्क्वायर, इसके बाद में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम जो नंबर है वो सेम टी स्क्वायर के साथ मल्टी जाएगा। जैसे 225 के बाद में जो टर्म था वो एग्जैक्टली हमारे पास एलसीएम मौजूद है तो रिमेंडर रिमेंस है। प्लस ये टी स्क्वायर के अपान में कुछ भी नहीं है तो जो एलसीएम में फैक्टर है या टर्म है वो सेम उस टी स्क्वायर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे जो लिखा, ठीक। तो एलसीएम हर प्रॉब्लम में समझते आ रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फिर भी समझ रहे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो अब क्या करेंगे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे 225 प्लस साइन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर सेम वेरिएबल है तो इसमें पावर पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 इक्वल टू 34 एंड टी स्क्वायर, क्योंकि ये टी स्क्वायर रिलेशन ली हुई है कंप्लीट टर्म से डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सही है। तो हो गया मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन खत्म हो गई, ठीक। अब देखते हैं ये 225 प्लस टी पावर 4 34 इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो गया इक्वल टू 0 तो ये टर्म शिफ्ट हो गया पॉजिटिव इस साइड पे नेगेटिव हो गया एंड उस साइड पे बाकी कुछ भी नहीं रहा तो मींस 0 है वो 0 लिखा, ठीक। अब रीअरेंज कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर वेरिएबल माइनस 34 वेरिएबल टी स्क्वायर प्लस 225 इक्वल टू 0 सही है, टर्म्स को रीअरेंज किया है ताकि सॉल्यूशन में आ सके। आप देखेंगे जो इक्वेशन बनी है वेरिएबल टी में है तो वेरिएबल पे पावर किस फॉर्म में गिवन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 एंड सेकंड टर्म उसके साथ वेरिएबल टी उस पे हाईएस्ट पावर 2 तो 4 का 2 जो वो हाफ है एंड थर्ड कांस्टेंट टर्म वहां पर वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल एंड सेकंड टर्म के साथ हाईएस्ट पावर का हाफ पावर वेरिएबल में मौजूद है तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कैसे, मिडिल टर्म ब्रेकअप कर सकते हैं वो देखेंगे हो रहा है कि नहीं, जरूरी नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं कि देखिए कर तो सकते हैं मगर पहले चेकआउट करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकअप हो सकता है कि नहीं। आइए समझते हैं कि इस इक्वेशन में मिडिल टर्म कैसे ब्रेकअप होगा, ठीक। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे 225 टी पावर 4 तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करने से नंबर जो मिला 225 जो नंबर मिला उसके फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे 225 किसका टेबल लग सकता है तो इसका फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट है वो क्या है 5 तो मींस 5 का टेबल यहां लगेगा, कोई भी नंबर उसके यूनिट डिजिट की पोजीशन पे 5 आ गया तो मींस 5 का टेबल लगेगा और टेबल लगाने की डिवाइड करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। 5 का टेबल आप डिवाइड करेंगे 22 को लग सकता है 4 टाइम 5 4 = 20 5 4 = 20 22 में 20 गए बाकी बचे 2 तो 2 5 के पास चले गए हो गया 25 25 को 5 का टेबल लग सकता है 5 में 5 5 का 25 45 हो गया, ठीक। 45 को 5 का टेबल लग सकता है 5 9 45 ठीक। अब 9 को टेबल लग सकता है 3 का 3 का 9 3 को 3 का अपना टेबल लग सकता है 15 आई बात समझ में यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे ये फैक्टर्स मिले अब इन फैक्टर को ऐसे मैनेज करें हम के प्लस या माइनस करें तो 34 माइनस का मिले मल्टीप्लाई करें तो 225 प्लस का मल्टीप्लाई करने से 225 मिलेगा क्योंकि 225 के फैक्टर्स है मगर मेन चीज है नंबर बीच में जो मिडिल टर्म है उसको विद साइन देखना। अब देखें कैसे मैनेज 25 3 3 9 तो -25 -9 दोनों की साइन सेम है प्लस करेंगे 34 माइनस के आगे सही है
माइनस 25 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 के साथ हो जाएगा 225, 35 को 9 के साथ फर्स्ट जाएगा 225 माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया। आई बात समझ में? फैक्टर्स मिले मींस मल्टीप्लिकेशन इसका ब्रेकअप कर सकते हैं हम, ठीक है गाइस। सो 25 एंड 9 दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, वेरिएबल t स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 225 इक्वल टू मिडिल टर्म 34 की जगह पे वो मिडिल टर्म ब्रेकअप लिखे हैं जो की है वो लिखे। एग्री है? आई पास समझ गया था। ठीक, अब क्या कर दिया है, फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे एंड सेकंड टू टर्म्स में अलग कॉमन लेंगे। कॉमन में जो एक जैसा टर्म हो, टी पावर 4 प्लस 25 टी पावर 2, तो टी पावर 2 कॉमन है, टी पावर 2 माइनस 25 टी पावर 2 कॉमन आ गया। ठीक, माइनस 9 का टेबल दोनों को लग सकता है, टी पावर 2 माइनस कॉमन तो प्लस इनटू माइनस माइनस हो गया। अब 9 का टेबल लग सकता है तो 9 का टेबल लगेगा 25 टाइम इक्वल टू 0, जैसे देखें 9 है दूसरा नंबर 25 है तो 9 का टेबल 25 टाइम लगेगा इसको, या कैलकुलेटर पे डिवाइड कर सकते हैं। जब कैलकुलेटर ना यूज करें तो अच्छी बात है, कैलकुलेटर ना यूज करें तो अच्छी बात है, माइंड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, माइंड से सॉल्व करेंगे तो आपका आईक्यू बढ़ेगा। आई बात समझ में? ठीक, तब t स्क्वायर माइनस 25 ब्रैकेट इज कॉमन फ्रॉम दीस बोथ टर्म्स, इन दोनों टर्म से t स्क्वायर माइनस 25 कॉमन है तो बाकी t स्क्वायर माइनस 9 है इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0 के हैं, t स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड यहां पर t स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक, t स्क्वायर के साथ 25 माइनस में दो साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस का हो गया, एंड t स्क्वायर के साथ 9 माइनस में उस साइड पे शिफ्ट करेंगे 9 प्लस का हो गया, शिफ्ट किया उस साइड पे ताकि वेरिएबल t फाइंड करना भी आसान हो जाए। अब t फाइंड करना था, t पे स्क्वायर है वहां पर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा तब t मिलेगा। स्क्वायर कैसे रिमूव करें, तो स्क्वायर रिमूव करना है तो हम टेकिंग करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक, तो ये t स्क्वायर इक्वल टू 25 नंबर है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ गया, सही है। उस साइड पे नंबर जो t स्क्वायर है इसके भी स्क्वायर रूट इक्वल टू 9 पे भी स्क्वायर रूट आ गया। ठीक, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करते जाए, t स्क्वायर का स्क्वायर रूट खत्म हो गया, t इक्वल टू साइड पे अब आ जाएगा प्लस माइनस, वेरिएबल अगर आजाद हुआ कांस्टेंट नंबर क्या है प्लस माइनस। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 25 का स्क्वायर रूट है 5, सेल्फ ऑफ इज t इक्वल टू प्लस माइनस, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट है 3, t का स्क्वायर इस पर कैंसिल हो गया। ठीक, एंड देन सो अब क्या करेंगे, t की वैल्यू तो मिली, अब क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि दूसरा वेरिएबल x है, t को कितनी वैल्यू मिली है प्लस माइनस 5 है प्लस माइनस 3 टोटल 4 वैल्यू मिली, तो अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पर, x फाइंड करना है तो x मींस इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया था तब जाके मिली है, अब इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज मिलेंगी, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे कैसे वैल्यूज मिलेंगी लेते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ टी एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो इस साइड पे मूव होते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे समझते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो वो है x = -15 डिवाइडेड बाय t, चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 लिखा मैंने x = -15 डिवाइडेड बाय t है। ठीक, तो अब t की जो वैल्यूज मिली है टोटल 4 वैल्यूज है हमारे पास, कितनी वैल्यूज है 4 है, तो अब इस नेगेटिव नंबर तो अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टोटल डायरेक्ट में अगर सब्स्टिट्यूट कर भी सकता हूं आप कंफ्यूज जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं इफ अगर t की जगह पे पहले सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 5 प्लस का
क्योंकि प्लस माइनस 5 है, पहले 5 प्लस का, देन 5 माइनस का, देन अगेन नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको आंसर मिलेगा माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, सो x की कॉस्ट माइनस 5 3 जा 15, अगर x की t की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू माइनस, आई बात समझ में? ठीक, अब देखें इफ t की सेकंड वैल्यू जो है वो क्या है माइनस 5, प्लस माइनस 5 तो प्लस की वैल्यू, उसके बाद माइनस की 5, तो माइनस 5 है तो माइनस 5 है तो सेम यही क्वेश्चन है, इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय माइनस t की जगह पे 5 आ गया, माइनस माइनस में कैंसिल हो गया, 15 को 5 का डबल, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, अब उसके बाद t की वैल्यू ये प्लस माइनस 3 भी है, तो ये भी सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड समझेंगे क्या आंसर मिल रहा है, तो देखें इफ t की जगह पे प्लस का 3 आ गया, प्लस माइनस 3 है तो प्लस पहले माइनस 5 भी सब्स्टिट्यूट करना, सो x की कॉस्ट माइनस 15 डिवाइडेड बाय t की जगह पे 3 प्लस का माइनस 15 को 3 का डबल आ सकता है 5 है, ठीक, अब देखिए इस प्रॉब्लम में नेगेटिव साइन है, इसीलिए t की वैल्यू अलग-अलग सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, प्रीवियस क्लास में हमने समझा था डायरेक्ट की वैल्यू मैंने प्लस माइनस सब्स्टिट्यूट कर दी क्योंकि वहां पर नेगेटिव साइन थी नहीं, तो नेगेटिव साइन की वजह से अलग-अलग सब्स्टिट्यूट करो ताकि आपको समझ में इजी आए, दोनों भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोई इशू नहीं है, मगर वो आपको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज जाएंगे आंसर क्या आया, साइन कहां गई, चाहिए, सो उसके बाद इफ t इक्वल टू माइनस 3 प्लस का 3 या माइनस 3 इस बार क्योंकि प्लस माइनस 3 दोनों नंबर है, दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो x इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय t की जगह पे माइनस 3, सो x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 15 को 5 3 का डबल कितनी बार लगा 5, आई बात समझ में आता सही है, तो अब क्या करेंगे टोटल वैल्यूज मिल गई, x को भी फाइंड आउट किया उनकी वैल्यू आपके पास, t की वैल्यूज भी आपके पास है, तो फाइनली इसको कंबाइन करके हम लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन से इक्वल टू, अब कैसे स्टार्ट करें, अब देखिए वेरिएबल पहले डिसाइड करना है कौन कौन से वेरिएबल है, x एंड t, तो x एंड t वेरिएबल में पहले एबीसी के मुताबिक x आ रहा है या t आ रहा है, पहले t आता है देन x वेरिएबल लिखा जाएगा, तो पहले t की वैल्यूज हम पहले लिखते जाएंगे देन x की वैल्यूज, तो देखिए कैसे t की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू माइनस 3 मिली, ठीक, t की वैल्यू माइनस 5 है तो x की वैल्यू प्लस में 3 मिली, ठीक, उस साइड पे वो है t की जगह पे 3 है तो x की जगह पे माइनस 5 है एंड t की वैल्यू माइनस 3 है तो x की वैल्यू प्लस में 5 है, माइनस 3 तो प्लस 5, ठीक है, मेक इट ओवर, तो ये है फाइनली आंसर हमारे पास, एग्री है, आई बात सुन लो, ठीक है, सेम वही है जो कल प्रीवियस क्लास में हमने समझा, कल मींस जो प्रीवियस क्लास में हमने समझा वो एग्जैक्टली उसी टाइप का प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन वही है, जस्ट वेरिएबल चेंज थे, टर्म्स चेंज थे, तो इसलिए आंसर भी चेंज आए, आई बात समझ में, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन फिर भी है तो वीडियो आपके सामने अगेन एंड अगेन देखें, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख दें सर ये चीज समझ में नहीं आ रही क्यों हुई है, तो आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, सही है गाइस, तो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा।